हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ ओनियन टोमेटो उत्तप्पा, जो कि साउथ इंडियन डिश है और बहुत ही फेमस है। आजकल लोग इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं, बट इसे हम लोग ज़्यादातर रेस्टोरेंट या स्टॉल पे खाते हैं रोड पे। तो आज मैं इसे घर में कैसे आसानी से बनाया जा सकता है वो मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल इडली डोसा बैटर लिया है, जो कि घर में ही मैंने बनाया है। इसमें थोड़ा सा मैंने दही मिक्स किया है इसमें टेस्ट के लिए। दही से थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट लगता है, बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। बैटर की थिकनेस हमें मीडियम ही रखनी है, उसे ज़्यादा गाढ़ा या पतला भी नहीं रखना है। उत्तप्पा में टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे ओनियन, टोमेटो, हरा धनिया, चिली पाउडर और नमक लिया है। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है, बेसिक चीज़ें जो उत्तप्पा बनाने में लिए लगती है। मैंने यहाँ पे तवा गर्म करने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे, 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ा सा ऑयल मैं इस पर स्प्रेड कर देती हूँ ताकि उत्तप्पा हमारा चिपके नहीं। तवा हमें अच्छे से गर्म करना है ताकि बैटर हम लोग डालेंगे तो उत्तप्पा हमारा आसानी से निकलना चाहिए। जब तवा गर्म अच्छे से नहीं होता है और हम लोग बैटर डाल देते हैं तो उत्तप्पा चिपक जाता है बेस में और निकलने में प्रॉब्लम होती है। तवा हमारा गर्म हो गया अच्छे से, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रेड किया है। अब बैटर को अच्छे से थिक लेयर में इसे स्प्रेड कर देते हैं। साइज़ हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मीडियम ही साइज़ उत्तप्पे का रखना है। इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर हमें रखनी है ताकि उसमें जो हम लोग वेजिटेबल्स की टॉपिंग करेंगे तो उसमें बैटर में वो अच्छे से चिपक जाए। अब सब बारीक कटे हुए वेजिटेबल्स की हम लोग यहाँ पे टॉपिंग कर देंगे। आप वेजिटेबल्स की क्वांटिटी अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप ज़्यादा उसमें ले लें। इडली डोसा तो हम लोग हमेशा ही बनाते हैं संडे में रेसिपी जो ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ में, बट उत्तप्पा हम लोग नॉर्मली घर में नहीं बनाते। हम लोग एक तो रोड पे जो स्टॉल होते हैं उसमें खाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं तब ऑर्डर करते हैं। तो इडली डोसा से अच्छा है कभी कभी हम लोग हटके ही कुछ अलग बनाए। वेजिटेबल्स की टॉपिंग मैंने कर ली, इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट और चिली पाउडर भी स्प्रेड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ले और इसे हमें वेजिटेबल्स को थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है बैटर में, इसे थोड़ा सा डिप करना है ताकि वेजिटेबल्स हमारे निकले ना। और थोड़ा सा ऑयल हमें ऊपर से स्प्रेड करना है ताकि हम लोग अब इसे दूसरी साइड से फ्लिप करेंगे तो वेजिटेबल्स नीचे के साइड में चिपकने नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो उत्तप्पा हमारा आसानी से निकल गया है। अब इसे दूसरी साइड से भी फ्लिप कर देते हैं और इसे कुक होने देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम लोगों को ऐसे ही प्रेस करते हुए धीरे धीरे पकाना है। वेजिटेबल्स जो हम लोगों ने टॉपिंग की है उसकी लेयर अच्छे से थोड़ी सी क्रिस्पी होनी चाहिए, तभी उसमें खाने में टेस्ट में मज़ा आता है। उत्तप्पा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, अभी दूसरी साइड से हम उसे फ्लिप कर देते हैं। अब देख सकते हो टोमेटो, ओनियन एंड कोरिएंडर अच्छे से पक चुके हैं, क्रिस्पी लेयर से यहाँ पे तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है टोमेटोज़ का और कोरिएंडर का। तो रेडी है हमारा इजी ओनियन टोमेटो उत्तप्पा। नॉर्मल इडली डोसा तो हम लोग घर में बनाते ही है, तो उससे ज़रा हटकर हम लोगों ने यहाँ पे उत्तप्पा बनाया है जो हम लोग फूड स्टॉल पे खाते हैं, रोड पे या होटल पे खाते हैं। तो इसे थोड़ी बोर भी नहीं होगा खाने के रूटीन में और थोड़ा सा अलग भी टेस्ट हो जाएगा। आप इस इजी वेजिटेबल उत्तप्पा को किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, कोकोनट चटनी, ग्रीन चटनी या नॉर्मल जो अपना इडली डोसा वाला सांभर होता है उसके साथ भी खा सकते हैं। आप इस इजी उत्तप्पा रेसिपी को घर में डेली भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या वीकेंड में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।